हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। स्टूडेंट 1/3 दिया हुआ है ना, आपको इसका डेनोमिनेटर तो दे रखा है, न्यूमिनेटर तो दे रखा है, डेनोमिनेटर आपको लिखना है जो इसके इक्विवेलेंट होता है। आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम अगर हम न्यूमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे डेनोमिनेटर को, है ना। जिसको न्यूमिनेटर से करते हैं उसी से डेनोमिनेटर को करते हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए ये यहाँ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई कि यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 से ही हुई ना, है ना, 6 1 6। अब अगर इसकी 6 से की तो हम इससे भी 6 से करेंगे, 6 3 18, तो यहाँ 18 आंसर आएगा, है ना, आप ऐसे देख सकते हैं। इसी प्रकार देखो 3 की मल्टीप्लाई कई में हुई, 7 के साथ हुई, है ना, 3 7 21 हुई, और तो 7 के साथ ही इसकी मल्टीप्लाई होगी, 7 1 7, ठीक है जी। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुई, 10 आया, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगी, 5 5 25, ठीक है जी। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई, 15 आ गया, तो ऊपर भी 3 के साथ ही हो जाएगी, 3 1 3, ऐसे सारी फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम आपको जो मेथड सिखा रहे हैं इससे नहीं कराएंगे, हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से कराएंगे, ठीक है जी। हम जो इक्विवेलेंट करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों कर रहे हैं? कभी कभी देखो स्टूडेंट इसमें तो ये होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पे 6/18 होता, इधर खाली स्थान होता, है ना, तो फिर हमें डिवाइड करना होता है ना। डिवाइड करने के बाद में तब हम इसे इधर वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाते हैं, क्योंकि कम आएगी है ना, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा है आती है, तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, वे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, है ना। एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए वे कन्फ्यूज होकर आंसर ही गलत कर देता है। तो हम आपको एक ऐसे मेथड बताने जा रहे हैं जो इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, अगर आपने 1 ध्यान से समझ लिया तो आप 3 भी अपना आप कर लेंगे और 4 भी अपना आप कर लेंगे, मेरी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है जी। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे और 2 और 5 अलग अलग होंगे, ठीक है जी। तो हम इसे शुरुआत करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे 1/3 और इसके बराबर में 6 लिखेंगे। अब यहां पे लाइन है ना, तो स्टूडेंट हम इन्हें क्रॉस में मिलाएंगे आपस में, ठीक है। यहां पे कुछ भी नहीं है, इतना कर लेंगे सब। ये पहले वाली फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसे दूसरे वाली फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मिलाएंगे, और जो पहले वाली फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है उसे दूसरे वाली के न्यूमिनेटर से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये अब जो नंबर नंबर से मिले, कभी भी हमें से यही करना, जो नंबर नंबर से मिलेंगे उन्हें पहले लिखेंगे 3 × 6, ठीक है। अब जो खाली स्थान से मिलेगा, जो फिल इन द ब्लैंक से मिलेगा, यानी कि 1 देखो फिल इन द ब्लैंक से मिला, तो ये हमेशा नीचे आएगा यहां पे, ठीक है। ये यहां पे लिखो आप, अब आप लिख लो 3 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 18 आ गया, तो आपका आंसर भी 18 आ गया।
तो आप यहां लिख सकते हैं 18, है ना। तो स्टूडेंट हमने बताया था आपको कि भाई 1 की मल्टीप्लाई 6 से की थी, और तो 3 से भी, 3 की मल्टीप्लाई भी 6 से करेंगे, 6 3 जा 18, ये दूसरा मेथड था हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लीजिए 1/3 21, है ना। अब इन्हें क्रॉस में मिला दीजिए, जो नंबर जिससे मिला उसे ऊपर रखेंगे, और जो ब्लैंक से मिला वो लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर आपसे ऐसे नहीं आता करना तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। टेबल पढ़ कर देखिए कितनी बार में 21 आएगा, तो 7 बार में आया, है ना। 21 3 से 7 टाइम डिवाइड हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ऊपर 1 बचा और ऊपर ही 7 बचा, तो यहाँ 7 आ गया, यही आपका आंसर है। हमने क्या बताया था, 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 21 आ जाए 7, और जो इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ हुई तो ऊपर लेके भी साथ मल्टीप्लाई 7 के साथ ही होगी, 7 हो जाए 7, तो देखो आंसर 7 आ गया। अब 2 × 2/5 10/ खाली स्थान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट डिजिट से मिलती है उन्हें ऊपर लिखते हैं, जो ब्लैंक से मिलती है वो लाइन के नीचे आती है। अब 2 से हम 5 को 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 का टेबल पढ़ के देखिए कितनी बार में 10 आता है, 2 × 5 = 10। अब आपके पास क्या बचा, ये 5 बचा और ये 5 बचा, तो 5 × 5 = 25 आंसर आ गया जी। देखो अगर 2 का टेबल कितनी बार पढ़े 10 आ जाए, 5 बार, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हुई, 5 × 2 = 10, तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ ही होगी, 5 × 5 = 25, देखो यही आंसर आ, दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है ना। याद रखे लाइन, वो लाइन जो ये लाइन होती है बीच वाली, इसके ऊपर जो संख्या होती है उस ऊपर वाली जो नंबर होते हैं उन्हें, उन नंबर से हम नीचे वाली जो नंबर होते हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, नीचे वाली से ऊपर वाली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर ऊपर ऊपर वाले से नीचे वाले, नीचे वाले से ऊपर वाले, और जो नीचे नीचे हैं दो बार आ जाए तो उनकी मल्टीप्लाई होती है, जो लाइन के नीचे रहेंगे दो डिजिट उनकी हमेशा मल्टीप्लाई होगी, जो लाइन के ऊपर रहेंगे उनकी भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। 1 × 15/5 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी, 15 आ जाए, 5 × 3 = 15, तो 1 × 3 = 3 आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी, 15 आ जाए 3 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से ही, तो 1 की मल्टीप्लाई भी 3 से ही होगी, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, चेंज ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिविन बिलो इन टू 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। स्टूडेंट 2/3 दिया हुआ है, आपको इसके बराबर 3 फ्रैक्शन लिखनी है, तो हम ये फ्रैक्शन निकालने के 2 मेथड हमारे पास है, हैं जी। तो हम 2 मेथड से इन्हें निकाल लेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाइए, ठीक है, और यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा के आप कितनी का, इसने कहा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो यहाँ 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है जी, 4 लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये आपको फर्स्ट, ये 2 × 2 है, फर्स्ट तो ये हो ही गई, अगर क्वेश्चन फर्स्ट भी कहता तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते, है ना, अगर अब नहीं कह रहा तो अब इसे सेकंड से लेकर चले, है ना। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में कहता है पहली 4 लिखिए, तो आपको पहली 4 लिखनी है, अब वरना पहली को छोड़कर उसके अदरवाइज लिखनी है।
तो देखिए बहुत आसान है मेरी, देखो ये टू लिख रहा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू का टेबल ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, फोर जा ट्वेल्व, फाइव जा फिफ्टी, तो बस यही आंसर आ गया, ठीक है। एक मेथड तो ये है हमारे पास, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उनका मतलब है, क्योंकि उनके टेबल लिखते हुए चले जाओ न्यूमिनेटर के और डेनोमिनेटर के, तो अपना आप ही होती हुई चली जाती है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया हो गए अब, या फिर एक सेकेंड मेथड है इसी का ही, अगर चार बार कह रहा तो इस संख्या को हम चार बार लिखेंगे, जो भी फ्रैक्शन हमें दी है उसे हम फोर टाइम लिखेंगे, या फाइव टाइम कह रहा तो फाइव टाइम लिखेंगे, थ्री टाइम कह रहा थ्री टाइम लिखेंगे, टू टाइम कह रहा तो टू टाइम लिखेंगे। इसलिए फोर का तो हमने तो वही क्वेश्चन ने कहा कि फोर इक्विवेलेंट, तो हमने फोर टाइम ये लिख लिया और फिर क्या करेंगे, इनका आगे यहाँ क्रॉस के चिन्ह लगाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई के, ठीक है जी। इस तरह आपने मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा लिए, अब इसे टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, अब फिर थ्री से करेंगे, फोर से करेंगे, जिस फ्रैक्शन अगर कोई भी है अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमिनेटर को जिससे करेंगे डेनोमिनेटर को भी उसी से ही करेंगे, डेनोमिनेटर को जिससे करेंगे न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये अलग अलग नहीं हो सकते। अब भाई टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, आगे पहली यही, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, देखो दूसरी मिल गई, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एट अपॉन ट्वेल्व आ गई, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। देखो हमने दो मेथड से किया, फर्स्ट मेथड हमारा टेबल का था, दूसरा मेथड हमने मल्टीप्लाई से किया है ना, तो देखो दोनों के आंसर एक साथ एक जैसे आ रहे है ना। तो आपकी इच्छा है या आपके टीचर जिस तरीके से कराते हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आपको इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करा देंगे, पहले वाले से बी, फाइव अपॉन सेवी, यहां मान लेते हैं, इधर ले जाते, फाइव अपॉन सेवी, एक दो तीन चार, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, आ गए। अब सी, थ्री अपॉन एट, एक दो तीन चार, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी, हमारा आसान बहुत। अब डी वाला, सेवन अपॉन अलेवी, सेवन टू जा फोर्टीन, ये हमने करा था सेवन का, यहाँ भी हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब अलेवन, अलेवन टू जा ट्वेंटी टू, थ्री जा थर्टी थ्री, फोर जा फोर्टी फोर, फाइव जा फिफ्टी फाइव, ठीक है जी। अब ई, थ्री अपॉन फाइव, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3-4 बिल्कुल एक जैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमिनेटर 16। जो आपको दूसरी फ्रैक्शन बनानी है उस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबका 16 होगा। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है। जो आप दूसरी फ्रैक्शन बनाएंगे उसका जो न्यूमिनेटर होगा सबका वो 16 होगा, यानी कि डेनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना था, देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डेनोमिनेटर निकाला, डेनोमिनेटर निकाला ना ए वाले का, तो ए डी हमेशा नीचे खाली रहेगा इन सब का। ठीक है, तो देखिए कैसे हो गए। लिखो जी इक्वल टू 4/7, अब यहां लिख लेंगे आप 16, और इसका डेनोमिनेटर आपके पास नहीं है, है ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी तो ऊपर 16 आएगा सम में, तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, 7 और 16 मिल गए, 4 मिला नहीं, 4 यहां लिखेंगे, 4 का टेबल पढ़ के देखेंगे 16 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 4 टाइम आता है, 7 × 4 = 28 आंसर आ गया, है ना। तो या आप ये देख सकते हैं अगर इसमें 4 का टेबल कितनी बार पढ़े 16 आ जाए, तो 4 आ गया, तो हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 में की, तो 7 की मल्टीप्लाई भी 4 से ही करेंगे, 7 × 4 = 28। ठीक होगा जी। अब बी वाला, थर्टी टू अपॉन थर्टी फोर 16 न्यूमिनेटर है, डेनोमिनेटर आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 और 16 मिले तो ये ऊपर आएंगे, जो खाली स्थान से मिलती है नंबर वही नीचे आता है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऊपर 16 है और नीचे 32 है, तो आप इस 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 32 आ जाए तो 2 टाइम पढ़ेंगे, है ना, 16 × 2 = 32। अब 2 से हम ऊपर क्या है 34 है, इस 2 से हम 34 को डिवाइड कर देंगे, अगर आप 2 के टेबल में तो 34 आता नहीं, तो अगर बड़ी वाली नंबर होता है तो उसे आप डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 में से 3 में से 2 गए 1 बच गया, उतार लिया 7, और 2 × 7 = 14। तो भाई अगर आप देखें किसी भी डिजिट को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने आप की आधी होती है, 34 है तो 17 हो जाएगी, ये आंसर आता है। ठीक है जी, ये आंसर आ गया, वो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा। तो भाई अब ये सी वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8/9 और यहाँ न्यूमिनेटर 16, डेनोमिनेटर आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 9 × 16 ये मिल गई, जो ब्लैंक से मिलेगा वो लाइन के नीचे आएगा, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ लेंगे, है जी, 9 और ऊपर 2 रह गए तो यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा फास्टली निकाल लेते हैं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, है ना। अब डी वाला 32/50, है ना, = 32/50, 16 खाली स्थान क्रॉस मल्टीप्लाई 50 × 16, 32 ब्लैंक से मिला तो नीचे आएगा, है जी, 16 × 2 = 32, और 2 से हमने 50 को काट दिया 25,
तो 25 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब ई 64 80 16 यहाँ पे खाली स्थान क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी जी, तो 80 और 16 मैच हो गए, 64 ब्लैंक से मिला, 16 4 जा 64 है जी, और 4 2 जा 8 और उतार ली जीरो, चल 3 लगा दी जीरो, 20 आ गया, तो 20 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही 4 वाला क्वेश्चन होगा, इसमें डेनोमिनेटर दे रखा आपको, न्यूमिनेटर निकालने सबके। ठीक है जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द डेनोमिनेटर 20, इसमें न्यूमिनेटर था, तीसरे वाले में इसमें डेनोमिनेटर है। ठीक है, दे रखा है 20, सबका डेनोमिनेटर 20 है, तो क्या करेंगे 16 40 है जी, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर की जगह 20 लिख दिया, न्यूमिनेटर में खाली स्थान रहेगा, है ना। 1 3 और 4 तीनों क्वेश्चन एक जैसे है, अगर आपसे कोई एक नहीं आता तो आपसे फिर कोई सा भी नहीं आता। ठीक है, आएंगे तो सारे आएंगे, नहीं तो कोई सा नहीं आएगा। तो जी करिए, 16 और 20 मिल गए तो ये ऊपर आएंगे, जो खाली स्थान से मिलेगा वो नीचे आएगा, तो 22 जा 40 और 2 8 जा 16, तो 8 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब बी 1/4 इज इक्वल टू 1/4 डेनोमिनेटर 20 और यहां खाली स्थान है जी, क्रॉस कर दो, क्या मिला 1 और 20 मैच हो गए, 4 कैसे मैच नहीं हुआ इसलिए लाइन के नीचे आएगा, 4 5 जा 20, तो 1 × 5 = 5 यही आंसर है आपका। ठीक है जी, अब सी वाला 7/10 = 7/10 डेनोमिनेटर 20, ऊपर खाली स्थान है, न्यूमिनेटर फाइंड करना, ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी 7 और 20 मैच हो गए, 10 के ऐसे खाली स्थान से मैच हुआ तो ये नीचे आएगा, 10 2 जा 20, तो 7 × 2 = 14 आंसर। ठीक है जी, सी के बाद अब है डी 4/5 = 4/5 डेनोमिनेटर 20, न्यूमिनेटर फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4 और 20 मैच हो गए, है ना। अब 5 कैसे नहीं हुआ, तो 5 लाइन के नीचे आएगा, 5 का टेबल 4 टाइम पटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 4 और 4 बच गए, तो 4 4 जा 16 ये आंसर है जी। ठीक है, अब ई वाला 21/60 डेनोमिनेटर 20, न्यूमिनेटर फाइंड करना, क्रॉस कीजिए, है ना, तो 21 और 20 मिल गए और 60 खाली स्थान से मैच हुआ तो इसलिए लाइन के नीचे आएगा, 23 जा 60 और 3 7 जा 21, तो 7 आंसर आ गया।
ओके स्टूडेंट, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक जैसी रहेंगी, एक जे एक ही मेथड से हो जाएंगी, है ना। नहीं तो आप एक बार डिवाइड करने की सोचोगे या कभी मल्टीप्लाई करने की सोचोगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, है ना। अगर इस मेथड में हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमें डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, चेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, इट इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लाइक फ्रैक्शन, है ना। अगर आप किसी भी संख्या को आपको लाइक करना आ गया तो आपसे आप सोच लीजिए आपसे प्लस सब्ट्रैक्ट और कंपेरिजन असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब आ गए आपसे, है ना। बस यही आ जाना चाहिए, 80% क्वेश्चन इसके आ जाने से आप पे आ जाएंगे। 80% फ्रैक्शन के क्वेश्चन 5th स्टैंडर्ड तक के आप पे सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें रहेगा क्या, डिवाइड और मल्टीप्लाई रह जाएंगे बस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसने कहा चेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन है इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। तो स्टूडेंट कभी भी एक एक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं होते, लाइक फ्रैक्शन देखने के लिए हमें दो फ्रैक्शन तो जरूर चाहिए ही चाहिए, या फिर दो से अधिक हो कितनी भी, ठीक है। अगर खाली ये लिखी हुई होती तो ये हम इसे लाइक और अनलाइक नहीं देख सकते, लाइक अनलाइक देखने के लिए हमें दो फ्रैक्शन चाहिए। और लाइक ये कैसी फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन होती क्या है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं, इन दोनों का अगर डेनोमिनेटर निचले वाली संख्या लाइन के अगर एक जैसी होती, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, या यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, या तो आपको यहाँ भी 12 करना है, या आपको आपको यहाँ भी 4 करना है, या तो 12 हो या नीचे 4 हो या फिर अदर डिजिट हो कोई भी, और दोनों जगह एक ही होनी चाहिए, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रख लेनी चाहिए कि जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन होंगे, अगर 3 है 4 है तो उनके लिए भी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इनका एक आसान तरीका करने का, ठीक है, फिर जो तरीका होता है फिर हम वो आप बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। देखो आपको ये यहाँ 12 है तो नो देखो यहाँ कितना है, 4 है तो 4 का टेबल हमने कितने टाइम पढ़ा कि यहाँ 12 आ जाए, ठीक है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 का टेबल अगर हमने 3 बार पढ़ ले तो स्टूडेंट यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो हम डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को भी उससे ही करेंगे, 3 4 जा 12, ये तो अपने आप आ गया, और 3 3 जा 9, तो ये आप देख सकते हैं हो गई, है ना। या एक मेथड और है, आप अगर यहां पर 12 नहीं करना चाहते, आप इसे यहां 4 करना चाहते हैं, है ना, तो स्टूडेंट फिर ये डिवाइड नहीं होने का। तो एक तरीका तो ये है, ये जो तरीका है ये सिर्फ 2 डिजिट पे ही लागू होता है ना। कौन सी पे, सिर्फ 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे आप इसे लागू नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसे आसान तरीके से करना है तो ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही है, 2 फ्रैक्शन के लिए है, ठीक है जी। तो ये हो गए, तो ये हमारा आंसर भी आ गया, है ना। अब है जी बी वाला, बी 3/7, 3/5 और जी 5/7, है ना। अब ये दूसरे वाला है, तो देखिए स्टूडेंट
फाइव का टेबल अगर हम कितनी भी बार पढ़े उसमें सेवन नहीं आने का, या सेवन का टेबल हम कितनी भी बार पढ़े तो उसमें फाइव नहीं आने का। अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई सी में कोई सा टेबल में कोई सी भी नंबर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्रॉस लगाएंगे दोनों साइड और इधर भी क्रॉस लगाएंगे, ठीक है जी, लगा लिए। अब इसके डेनोमिनेटर से पहले वाली फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे और इसके डेनोमिनेटर से दूसरे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, डिवाइडिंग, सॉरी स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई था, है ना। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, सेवन थ्री जा 21 और सेवन फाइव जा 35, फाइव फाइव जा 25, फाइव सेवन जा 35। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, यहाँ भी 35 आ गया, यहाँ भी 35 आ गया। तो अगर ऐसे नहीं होता तो इसके डेनोमिनेटर से इसे, इसके डेनोमिनेटर से इधर, इससे आसानी से क्वेश्चन हो जाता, आंसर कभी भी गलत नहीं आता, है ना। तो दो तरीके तो हमने आपको ये बता दी, पहला तो ये है, इसे देख लो छोटे वाले के जो टेबल डेनोमिनेटर है उसके टेबल में ये आवे क्या, अगर आवे तो आपको एक इस तरफ मल्टीप्लाई करनी, अगर नहीं आता इसकी तरह तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी, ठीक है जी। तो ये ही दो मेथड थे ऐसे आसान के, और दूसरा कोई मेथड नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम जो मेन मेथड है उससे लेकर चलते हैं, तो हमने आपको ऐसे सिखाई है, ठीक है। मेन मेथड हमारा क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम के द्वारा हम किसी भी, अगर हमारा असेंडिंग है तो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में करना तो भी हम एलसीएम लेंगे, डिसेंडिंग में करना तो भी हम एलसीएम लेंगे, कंपैरिजन करना तो भी हम एलसीएम लेंगे, माने प्लस करना है आपको, ऐड करना है तो भी हम एलसीएम लेंगे, माइनस करना है तो भी हम एलसीएम ही लेंगे, ठीक है जी। तो देख लीजिए हम इसे एलसीएम का तरीके से सिखा रहे हैं आप। पहले वाले क्वेश्चन को क्या था जी, हमारा 3/4 और 5/12, ठीक है जी। अब हम भी इनका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने कहा था आपको फ्रैक्शन के सवाल करने के लिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, 4/12। एलसीएम हमेशा डेनोमिनेटर का लेते हैं, न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं लेते, ठीक है जी। अब इनमें कोई भी नंबर है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल में 4 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 2 के टेबल में 6 के 12 कितनी बार आया, 6 टाइम। तो जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिखते रहेंगे, आंसर आंसर लिखने होते हैं स्टूडेंट। या आप ऐसे भी नहीं आते तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, क्या आंसर आया 2, उसे यहाँ लिख लीजिए, अगर रिमाइंडर बच जा तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है जी। अभी इस इवन नंबर है 2 से ही हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब जो 1 आ गया वो तो कंप्लीट हो गया, ऐसे 1 लिखते हुए चले जाएंगे। अब क्या है जी, अभी इनमें कोई भी नंबर नहीं है, 3 है तो 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, जब सबके 1 आ जाए तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्या फैक्टर आया हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 12, एलसीएम, ठीक है जी। तो सबसे पहले सब में आपको यही काम करना है, एलसीएम लेना। कब लेना है एलसीएम, जब आपकी फ्रैक्शन अनलाइक हो। अगर लाइक फ्रैक्शन पहले से दे रखी तो आप एलसीएम ना ले, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो अगर आपने देख ली फ्रैक्शन हमारी लाइक है तो एलसीएम नहीं लेना, ध्यान रखें। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि फ्रैक्शन लाइक है तब भी एलसीएम लेते हैं। तो ये आप जो भी एलसीएम आया उसे यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जो भी एलसीएम है ये 4 से और 12 से, यानी कि दो डेनोमिनेटर थे इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। हम 4 का टेबल पढ़ के देखेंगे, 12 कितनी बार आया है, 3 टाइम, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के जो न्यूमिनेटर होगा उसे उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब जो इसके साथ क्या वो इसके साथ करेंगे, इसके डेनोमिनेटर से भी इसे डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 अब मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 3 3 जा 9 और जो 12 एलसीएम होता है वो सबका डेनोमिनेटर होता है, तो ये 9 का भी है, अब 5 1 जा 5 और जी इसका भी है,
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो ये वाली थी और ये वाली थी दोनों एक जैसे आए ना आंसर, तो हमारा यही तरीका अनुसार आना चाहिए। ये तो अगर जल्दी में करना चाह रहे हैं हम तो इसे कर सकते हैं, आसान है, या दो ही है, दो ही फ्रैक्शन दी गई है। अब हम दूसरे वाला देख लेते हैं, 7/5, हाँ जी 5/7, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। स्टूडेंट हमने आपको बता था अगर दो प्राइम नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वही उनका एलसीएम होता है। 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है तो 5 7 35 आंसर आ जाएगा इनका। देखो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होता, सेम का सेम रहेगा, ठीक है जी। 5 × 7 = 35 LCM। अगर आपसे ये करना आ गया, इतना इतना काम करना आ गया, एलसीएम लेके ये काटने और मल्टीप्लाई करने आ गए, तो आपसे प्लस माइनस और असेंडिंग डिसेंडिंग कंपैरिजन सब आ गए, सब क्वेश्चन आ गए, बस यही आना चाहिए। इस डेनोमिनेटर से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 7 = 35। और 7 5 = 35 ये आ गया, 7 7 = 49 35, 5 5 = 25 देखो जी सेम हो गए, डेनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसे कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना लाइक, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये आपसे आना ही चाहिए। सेवन अपॉन 12 8 अपॉन 15, तो हमें या तो हमें यहाँ 15 करना है या हमें 12 करना है, 15 के टेबल में 12 नहीं आने का, 12 के टेबल में 15 नहीं आने का, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, यानी कि इस 15 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 12 से इन दोनों को 8 को 15 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर स्टूडेंट हम ये वाला मेथड नहीं सिखा रहे, हम एलसीएम के द्वारा ही करेंगे, 12 15 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब है कोई भी डिजिट अपने आप के आगे हो जाती है, 15 2 के टेबल में नहीं आता तो सेम का सेम लिखेंगे, और जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा कोई भी इवन नंबर होगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 15 सेम का सेम हो जाएगा। अब इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं रहा, अब 2 के बाद हमेशा 3 से ही करेंगे, जब तक 3 से होते रहेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, नो नहीं 15 को 15 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, गलत हो जाएगा। अब हम इसे 3 से करेंगे, 3 1 3 3 5 15, 5 प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 तो 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 16 LCM, इसे यहाँ लिखेंगे 60 को, हाँ जी 60 को यहाँ लिख लिया, और इस डेनोमिनेटर से 16 को डिवाइड करेंगे, 12 5 16, इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 15 4 60 और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अगर स्टूडेंट की इसमें इन दोनों से ये डिवाइड नहीं होता एलसीएम आपका पूरा पूरा, कोई रिमाइंडर बच जाता है तो आप सोच लीजिए आपने एलसीएम गलत निकाला, एलसीएम दोबारा कहिए आपका एलसीएम गलत है, ठीक है। 5 7 35 upon 60, 4 8 32 upon 60 हो गए इक्वल, तो जी आंसर आपका आ गया। डी थर्टीन अपॉन 25
13/50। देखिए स्टूडेंट, 15 के टेबल में 25 नहीं आता, 25 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 15 से दोनों तरफ क्रॉस करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर दोनों तरफ क्रॉस करके 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दूसरा मेथड, पहले वाला मेथड था, लेकिन हम इस मेथड से नहीं निकाल रहे, एलसीएम मेथड से ही निकाल लेंगे कि यही इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर नहीं है, ना 25 ना 15, दोनों ओड है, तो हम 3 से देखेंगे क्या 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से नहीं होते, तो 3 से 3 की डिजिबिलिटी देखें तो 5 और 1 6 6, 3 के टेबल में आता है, 5 और 2 7, 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 25 तो डिवाइड नहीं होने का, तो सेम का सेम लिखा जाएगा, और 3 5 15। अब इन दोनों से 3 से भी कोई नहीं होने का, 4 से भी नहीं होने का, 4 के टेबल में ना 25 आता ना 5 आता, 5 के टेबल से ही होंगे, 5 5 25 और 5 1 5, और जी 5 1 5, ठीक है, तो 3 × 5 × 5, 3 5 15, और 15 5 75, LCM। अब इसे अलाइन के नीचे लिखेंगे, अब 25 से 75 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 25 3 75 और मल्टीप्लाई 13, कोमा लगा दीजिए, और 15 5 75 × 13, 13 3 39/75, 13 5 65/75, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब आप इस लाइक फ्रैक्शन को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। बताओ भाई, अगर कंपैरिजन करना तो 65 की तरफ को जो हमारा सिंबल होता है उसका मुंह खुला हो जाएगा, है ना, ऐड करना तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस करना तो ये पहले से इधर लिख लीजिए, फिर इसे इधर लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए, है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इसका ई, तो जी हमेशा डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 8, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होता 2 से, इसलिए सेम का सेम लिख देते हैं। अब 3 से 1 1 1, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 4 × 8 8 3 × 24, LCM। अब इसे यहां लिख लीजिए, 8 से 24 को डिवाइड कर लीजिए, 3 बार हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई, 12 × 24 × 7, 24 × 24 × 30, ठीक है जी। आपको इसे ऐड करने के लिए भी आपको एलसीएम लेना होगा, आपको इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए भी एलसीएम लेना होगा, आपको इन्हें कंपैरिजन करने के लिए भी एलसीएम लेना होगा, तो आप इस सवाल को कोई भी सवाल बना सकते हैं सेम के सेम को, लेकिन सब में करना यही होगा सब काम करने के लिए। 3 × 5 है, 15 हो जाएगा, 15/24, 14 हो गए, 7 × 24, और 13 × 30, तो जी 24। अगर आप देखो, यही हमारा आंसर है, अगर हम थोड़ा सा असुविधा चाहें सर, अगर स्टूडेंट आप इसे करना चाहते हैं प्लस का सवाल, तो ये इस तरह प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, है जी, 4 3 7 7
और पांच कितने हो गए जी, 12, 1, 2, 3, 4, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह आपका ये उसका हो गया प्लस का, अगर आप यहाँ प्लस के चिन्ह होते है ना। अगर आप इसे कंपेरिजन करने चाहते हैं तो कहता है कोई सा सेंडिंग ऑर्डर में लिखो भाई, है ना। तो सेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे आप, 13/24, 14/24 और जी 15/24, तो इस तरह असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा, है ना। ये कंपेरिजन के चिन्ह लगा लो, है ना। तो ये सब आपकी क्वेश्चन, आपको अगर लाइव फ्रैक्शन आते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इतना ही करना था, ये नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा आज का मैटर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई, है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।